फिर से स्वागत है आपका नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल में। सुबह की रेसिपी के बाद ये दूसरी रेसिपी हम डिनर के लेके आए हैं, जिसका नाम है गुजराती डिश है ये खांडवी। अब पहचान ही गए होगे, यस गुजरात की फेमस खांडवी लेके आए। तो चलो फिर बनाते हैं और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स में हमें 150 ग्राम बेसन लिया है, कोकोनट लिया है, ग्रीन चिली, नमक लिया है, हल्दी, धनिया और कड़ी पत्ता मसाला, राई ली है, सरसों, वाइट तिल लिए हैं, जीरा लिया है, हींग ली है और 2 कप जितनी छास ली है। तो पहले बेसन डालेंगे बोल में। बेसन डालने के बाद हम इसमें 2 कप छास डालेंगे। आ गया दूसरा कप। सो 2 कप छाछ डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक के बाद हल्दी के बाद हींग डालेंगे, 1 टीस्पून जितनी हींग डालेंगे, ज्यादा नहीं डालनी। अब इसे फेंट लेंगे, अच्छी तरह से फेंटना है हमें, एकदम पतला टेक्सचर, पतला एकदम पतला कर देना है इसे। अब चाहे तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं इसे। ये देखिए एकदम पतला हो चुका है, कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही थिन करना है क्योंकि खांडवी को जब हम आगे जाके रोल करेंगे तब वो एकदम ही पतली होनी चाहिए। अब ये कुकर ले लिया है हमने, कुकर में ये रिंग डालेंगे सबसे पहले बॉईल करने के लिए। हमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। ये रिंग आपको कहीं भी मार्केट में से मिल जाएगी, उसको बोल को थोड़ा ऊपर रखने के लिए वो रिंग हम रखते हैं ताकि वो अच्छी तरह से बॉईल हो सके। हमें कुकर में 7 सीटी तक इसे बॉईल करना है। सात सीटी बजने तक इसे बॉईल करेंगे। तो चले फिर बॉईल करने के बाद मिलते हैं। चले फिर बॉईल हो चुका है, कुकर खोल लेते हैं हम। ये देखिए जो पेस्ट थी वो हल्की सी थिक हो गई है। इसे फिर से फेंटना है हमें, बहुत अच्छी तरह से फेंटना है और अभी थिन कंसिस्टेंसी कर देंगे हम। तो इसे फिर से फेंटना है हमें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, एकदम थिन होनी चाहिए क्योंकि हम इसे आगे जाके थाली में स्प्रेड करने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। ये फेंटने में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसे थाली में स्प्रेड कर देंगे अब। अच्छी तरह से एकदम थिन लेयर बनाना है, स्प्रेड करके पूरी थाली में स्प्रेड कर देंगे, बहुत ही थिन लेयर दोस्तों। इसकी लेयरिंग में ध्यान रखना है, जो भी ऊपर एक्सेस जो हमारा पेस्ट है वो नहीं रहने देना, वो निकाल देना है और एकदम थिन पेस्ट कर देना है। अब साइड साइड में से देख सकते हो वैसा ही पेस्ट हमें चाहिए, वैसा ही लेयर हमें चाहिए, एकदम पतला। दोस्तों खांडवी में कंसिस्टेंसी का हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि खांडवी का टेक्सचर बहुत ही पतला होता है जब हम उसे रोल करते हैं तब, तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है फिर स्प्रेड कर लेते हैं इसे, फिर थोड़ी देर के थोड़ा ठंडा होने देंगे 5 या 10 मिनट्स तक स्प्रेड करने के बाद। तो आई थिंक ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए कट्स कर लेते हैं इसमें,
क्योंकि हमें इसे रोल करना है, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है खांडवी का, वो हम आपको दो बार बताएंगे। ये देखिए कट्स हो गए हैं स्क्रीन पे, आई थिंक शो नहीं कर रहे, पर ये देखिए कट्स हो चुके हैं। अब इसे धीरे धीरे करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा फेल होएगा, पर ये देखिए हल्के हल्के रोल करते करते इसे एंड तक लेके जाना है। टूटेगा कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही एंजॉय करेंगे। ये देखिए ये एक गया, इसी तरह से हमें करना है, हम दूसरी बार आपको बताएंगे। ये देखिए फर्स्ट टाइम में वो थोड़ा टूटेगा, पर आप जैसे जैसे उसको रोल करोगे वो रोल होता जाएगा। ये देखिए आप फिर इसे रोल कर देना है। देखिए दोस्तों इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब इसे साइड में ले लेंगे एक बोल में। ये देखिए सब रोल हो चुके हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए, इसको तड़का देने के लिए हम थोड़ा तेल ले लेंगे छोटी सी कढ़ाई में, 2 टेबलस्पून जितना तेल लिया है। खांडवी के ऊपर जो तड़का होता है वो हम उसकी तैयारी करेंगे। अब तेल को गर्म होने देते हैं, इसमें सरसों डाला है, राई डाली है इसमें 1 टीस्पून जितनी। अब इसमें व्हाइट तिल डाली है, जीरा भी डाला है, सब 1 टीस्पून है, ग्रीन मिर्ची, धनिया और कड़ी पत्ता तीनों डाल दिए इसमें। इसे थोड़ी देर गर्म होने देना है दोस्तों। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डाल देंगे, उसे खांडवी के ऊपर डाल देंगे। गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे कोकोनट पाउडर और धनिया लिया है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। कोकोनट पाउडर डाल दिया है हमने, अब थोड़ा सा धनिया डाल देंगे ऊपर। तो रेडी है दोस्तों गुजरात की फेमस खांडवी, तो आप एंजॉय कीजिए आज रात को, बनाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंग्रेडिएंट्स और रीत दोनों लिख दी है। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नीलम्स किचन यूट्यूब चैनल को। हम कल मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।